हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू संतोष करियर इंस्टीट्यूट। आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करने जा रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे पहला वीडियो आज हम बनाने जा रहे हैं और ये स्पेशली आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th के लिए। और आप देख सकते हैं कि सबसे पहले अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करें। इंट्रोडक्शन में हम डिफाइन करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, आप देख सकते हैं कि एन इक्वेशन विद वन वैल्यू एन इक्वेशन विद वन वेरिएबल in which the highest power of a variable S2। मतलब कि ऐसा इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल हो और वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर यानी कि डिग्री 2। अब यहां पर क्वेश्चन आ रहा है कि डिग्री क्या है, तो डिग्री इज नथिंग बट इट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ ए वेरिएबल। क्लियर है, मैक्सिमम पावर ऑफ ए वेरिएबल किसकी मैक्सिमम पावर, तो आपको देखना है वेरिएबल। क्लियर है, अगर मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2 इज नॉन एज व्हाट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आपके क्लियर डेफिनेशन, मतलब कि आप देख सकते हैं कि एनी विद वन वेरिएबल इन विच द हाइएस्ट पावर। तो ये दो चीज देखना है जिसमें एक वन वेरिएबल हो और साथ में हाइएस्ट पावर कितनी हो 2। ऐसे इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहें। क्लियर है, ठीक है। अब यहां पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सर एग्जाम्पल क्या होगा इसका, तो लो भैया एग्जाम्पल की बात करें तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम देखें तो जनरली आप ऐसे देखेंगे 2x² + 3x + 5 = 0। इस टाइप के इक्वेशन बहुत सारे आपको दिखाई देंगे। तो आप देख सकते हैं इन तीनों इक्वेशन में वेरिएबल आप देख सकते हैं वन वेरिएबल है यानी कि एक्स। देखिए यहां पर एक्स है, अगर हम यहां भी देखें एक्स है, यहां भी देखिए अगर हम एक्स वेरिएबल है तो एक्स है। हम वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम सिर्फ एक्स ही लेंगे, वाई भी ले सकते हैं, अदर वेरिएबल को भी आप ले सकते हैं, पर वेरिएबल शुड बी वन। दूसरी बात कि अगर हम वेरिएबल की पावर देखें तो आप देख सकते हैं कि यहां पर पावर 2 है, तो यानी कि इसका मतलब है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो ऐसा इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल हो और उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर हो वो 2। ये दो एसेंशियल कंडीशन है और इसके अलावा भी बहुत सारे एसेंशियल कंडीशन है जो कि मैं आपको इतना नोट कर दूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और भी कुछ एसेंशियल कंडीशन है वो आपको पहचानना है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में अगर हम बात करें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम देखें तो
ये स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. इट्स क्लियर? वेयर ए बी एंड सी ऑल आर रियल नंबर्स एंड ए जो कि कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का शुड नॉट इक्वल टू जीरो. मतलब साफ है कि ये जनरल फॉर्म साफ है ना. आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो जनरली इस फॉर्म में ही होता है जहां पे एक वेरिएबल एक्स है और इसकी मैक्सिमम पावर टू है. ठीक है, अब आप क्या बात करते हैं ए बी सी क्या है यहाँ पर. तो ए बी सी ऑल आर रियल नंबर्स. ठीक है, और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए. अगर ए की वैल्यू अगर जीरो हुई कंडीशन ये है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी. क्लियर है? अब अगर हम बात करें नंबर टू, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन टू वैल्यू ऑफ द अननोन वेरिएबल and the value and this value are known as the roots of the given quantity equation. मतलब ये साफ है कि आपको ये क्लियर हो गया कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो वैल्यूज होती है क्योंकि इसके डिग्री टू है, यानी कि वेरिएबल्स की हर वेरिएबल्स जो भी वेरिएबल्स है उसकी दो वैल्यूज आएंगे और उसी वेरिएबल्स यानी कि जो वेरिएबल्स है जिसकी जो सॉल्यूशन है उसको हम रूट्स कहते हैं, रूट्स ऑफ द गिवन, है ना. ये यानी कि इसका मतलब साफ है कि एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रूट्स. क्लियर है? दैट मींस हम यहां कह सकते हैं दैट इज एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन has two roots. ये आपको याद है. तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मूला है यानी कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आप इस तरह से लिख सकते हैं जहां पर x जो है वेरिएबल है, वेरिएबल शुड बी वन, एक ही वेरिएबल है उसकी पावर मैक्सिमम पावर यानी कि डिग्री टू होनी चाहिए. ए बी सी क्या है? रियल नंबर है और सबसे इसेंशियल कंडीशन है कि एक्स स्क्वायर की जो कॉफिशियंट है यानी कि जो ए है वो कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए. तो ये चीज़ आपको याद रखना है. दूसरी बात कि एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन टू वैल्यूज, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो उसकी दो वैल्यूज आएंगी और वो दो वैल्यूज को हम कहते हैं रूट्स, यानी कि एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रूट्स. तो ये चीज क्लियर हो गया, इसको नोट कीजिए. फिर हम नेक्स्ट
हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू संतोष करियर इंस्टीट्यूट। आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करने जा रहा हूँ। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सबसे पहला वीडियो आज हम बनाने जा रहे हैं, और ये स्पेशली आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th के लिए। और आप देख सकते हैं कि सबसे पहले अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करें। इंट्रोडक्शन में हम डिफाइन करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, आप देख सकते हैं कि एन इक्वेशन विद वन वैल्यू एन इक्वेशन विद वन वेरिएबल in which the highest power of a variable S2। मतलब कि ऐसा इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल हो और वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर यानी कि डिग्री 2। अब यहां पर क्वेश्चन आ रहा है कि सर डिग्री क्या है, तो डिग्री इज नथिंग बट इट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ ए वेरिएबल। क्लियर है, मैक्सिमम पावर ऑफ ए वेरिएबल किसकी मैक्सिमम पावर, तो आपको देखना है वेरिएबल। क्लियर है, अगर मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2 इज नॉन एज व्हाट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आपके क्लियर डेफिनेशन, मतलब कि आप देख सकते हैं कि एनीथिंग with one variable in which the highest power, तो ये दो चीज देखना है जिसमें एक वन वेरिएबल हो और साथ में हाइएस्ट पावर कितनी हो 2। ऐसे इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहें। क्लियर है, ठीक है। अब यहां पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सर एग्जाम्पल क्या होगा इसका, तो लो भैया एग्जाम्पल की बात करें तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम देखें तो जनरली आप ऐसे देखेंगे 2x² + 3x + 5 = 0। इस टाइप के इक्वेशन बहुत सारे आपको दिखाई देंगे। तो आप देख सकते हैं इन तीनों इक्वेशन में वेरिएबल आप देख सकते हैं, वन वेरिएबल है यानी कि एक्स। देखिए यहां पर एक्स है, अगर हम यहां भी देखें एक्स है, यहां भी देखिए अगर हम एक्स वेरिएबल है तो एक्स है। हम वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम सिर्फ एक्स ही लेंगे, वाई भी ले सकते हैं, अदर वेरिएबल को भी आप ले सकते हैं, पर वेरिएबल शुड बी वन। दूसरी बात कि अगर हम वेरिएबल की पावर देखें तो आप देख सकते हैं कि यहां पर पावर 2 है, तो यानी कि इसका मतलब है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो ऐसा इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल हो और उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर हो वो 2, ये दो एसेंशियल कंडीशन है। और इसके अलावा भी बहुत सारे एसेंशियल कंडीशन है जो कि मैं आपको इतना नोट कर दूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और भी कुछ एसेंशियल कंडीशन है वो आपको पहचानना है। सबसे पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में अगर हम बात करें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम देखें तो
ये स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. इज क्लियर? वेयर ए बी एंड सी ऑल आर रियल नंबर्स एंड ए जो कि कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का शुड नॉट इक्वल टू जीरो. मतलब साफ है कि ये जनरल फॉर्म साफ है ना. आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो जनरली इस फॉर्म में ही होता है जहां पर एक वेरिएबल एक्स है और इसकी मैक्सिमम पावर टू है. ठीक है, अब आप क्या बात करते हैं ए बी सी क्या है यहाँ पर, तो ए बी सी ऑल आर रियल नंबर्स. ठीक है, और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए. अगर ए की वैल्यू अगर जीरो हुई कंडीशन ये है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. क्लियर है? अब अगर हम बात करें नंबर टू, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन टू वैल्यू of the unknown variable unknown variable Every quadratic equation has two roots. ये आपको याद रखना है. तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मूला है यानी कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आप इस तरह से लिख सकते हैं जहां पर एक्स जो है वेरिएबल है, वेरिएबल शुड बी वन, एक ही वेरिएबल है उसकी पावर मैक्सिमम पावर यानी कि डिग्री टू होनी चाहिए. ए बी सी क्या है, रियल नंबर है और सबसे इसेंशियल कंडीशन है कि एक्स स्क्वायर की जो कॉफिशियंट है यानी कि जो ए है वो कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए. तो ये चीज आपको याद रखना है. दूसरी बात कि एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन टू वैल्यूज, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो उसकी दो वैल्यूज आएंगी और वो दो वैल्यूज को हम कहते हैं रूट्स, यानी कि एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रूट्स. तो ये चीज क्लियर हो गया, इसको नोट कीजिए. फिर हम नेक्स्ट
अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को देखिए। ये पांच क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है, और लेकिन याद रखें कि आपको फैक्टराइजेशन मैट्रिक्स से ही सॉल्व करना है। और इसको सॉल्व करने के बाद आपको इसके सॉल्यूशन व्हाट्सएप में आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 7895180047। तो आप अपने सॉल्यूशन शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और अगर किसी को भी इन पांच क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन अगर किसी को डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करके आप पूछ सकते हैं, मैं इसके एक अलग से वीडियो बना दूंगा इस होमवर्क की सॉल्यूशंस। ठीक है, तब तक सेफ रहिए और घर से बाहर ना निकले, जब जरूरी हो तभी निकले। और दूसरी बात कि हमेशा मास्क का प्रयोग करें।